नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कांक्षा राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। दरअसल अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह का एक कथित ऑडियो टेप वायरल हो रहा है, जिसमें वो अलीगढ़ के तत्कालीन सीएमएस वीके गुप्ता को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इंडिया न्यूज इस ऑडियो टेप की पुष्टि तो नहीं करता है। ये जो सफेद पीली बुशर्ट में दिख रहे हैं ना, ये है अलीगढ़ के जिले इलाही। हाँ हाँ, जिले इलाही। 15 अगस्त को आजादी का दिवस जरूर मनाया हो, सल्तनत के खात्मे को इतिहास के पन्नों पर लिखकर हम भूल गए हो, लेकिन ये नहीं भूले कि आज भी सल्तनत के सुल्तान नाम है चंद्रभूषण सिंह। तो सिंह साहब का एक कथित ऑडियो सामने आ गया है, जिसमें वो अपने कनिष्ठ अधिकारी को संस्कारी शब्दों से नवाज रहे। दरअसल मुख्यमंत्री की चौखट तक एक फरियादी की चिट्ठी पहुंची थी। चिट्ठी में लिखा था कि स्वास्थ्य महकमा ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसके बाद डीएम चंद्रभूषण सिंह से जवाब तलब किया गया। यही बात ठक से सीने पर लग गई चंद्रभूषण सिंह। बताया जाता है पहली फुर्सत में डीएम साहब ने तत्कालीन सीएमएस वीके गुप्ता को फोन घुमाया और जो संस्कारों का सार संसार को सुनाया, उसे चाहकर भी हम खुलकर नहीं सुना सकते। सीएमएस साहब बोल रहे हैं दीनदयाल से? जी जी, बताइए दुष्यंत जी। हाँ नमस्ते डीएम साहब, यहाँ से स्टेशन दुष्यंत बोल रहा हूँ, डीएम साहब बात करेंगे, दे रहा हूँ। जी जी बताओ। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। ये जो उस दिन आपके अस्पताल का आया था, जो वहाँ से शासन से टीम फोन करके पूछते रहते हैं, जी मैं आया था कि डॉक्टर सर्जरी राउंड पर अनिल कुमार ने बताया कि आईसीयू में है, वहाँ का स्टाफ मरीजों की सुनता नहीं है। जी, तो क्या कार्रवाई की आप? ये सबको लिख करके दे दिया है और मैंने खुद जाकर बात करी है। तब से मैंने बात करी, जो दीनदयाल की कम्प्लेन थी, दीनदयाल की, हाँ दीनदयाल से बात करी, बोले हमें शिकायत कोई नहीं है, उसका वीडियो बनाया। अनिल कुमार की शिकायत थी? हाँ, तो उससे जो भी वहाँ पे थे, मैं खुद गया वहाँ पे, तो और सारे लोगों को टाइट कर दिया गया। ऐसे ही होता है, ये तो अब चूंकि शासन से लिख के आया है तो इसमें कार्रवाई तो होनी है। जी जी, अब आपको या तो ये आप इसका जवाब हमें भी तुरंत भेजिए, आपके पास है चिट्ठी वो पुरानी? सर देखो, आप दिखवा लेता हूँ। नहीं दिखवा के लेते, जो आपके पास भेजा था मैंने रिपोर्ट के लिए, उसमें आया था कि अनिल कुमार ने बताया कि आईसीयू में है, वहाँ का स्टाफ मरीजों की नहीं सुनता है। जी जी, कल 3 घंटे वो सर, वो तो रिकॉर्ड में मैंने सारी जो फाइलें आए हैं, मैं रोज अभी बैठ के रिव्यू ही कर रहा हूँ। फाइलें जो है मैंने 6 सैंपल मंगा लिए हैं। हेलो। और वो फाइलों को रिव्यू कर रहा हूँ मैं अभी बैठ करके। सुन यार, तेरी बात को जिसमें मुझे चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना है, तुम बकवास कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, बता कुछ रहे हो। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो दीनदयाल में उस दिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फीडबैक लिया गया था, जिसमें तुमने आख्या भेजी थी, उसमें जो जवाब जो 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 उसने शिकायतें की है उनका निस्तारण पे पूछ रहा हूँ मैं। तत्कालीन सीएमएस वीके गुप्ता की हाजिर जवाबी जिले के बड़े वाले साहब को पसंद नहीं आई, और नहीं आई तो नहीं आई, तो गले की नसें फुलाकर पूरा जोर लगाकर फोन पर गुस्सा का प्रदर्शन कर दिया। क्या बोल रहा है सुनो? जी जी बताइए। अनिल कुमार ने यह कहा कि वहाँ स्टाफ मरीजों की सुनता नहीं है। जी, घंटे तक पानी मांगता रहा, तो क्या अब इसमें लिखा पहले का स्टाफ अच्छा था? क्या अब इसमें क्या है, पहले कौन स्टाफ था जो अनिल कुमार से पूछा आपने? अनिल कुमार है अभी आईसीयू में? ये अभी होंगे सर। हाँ है, होंगे सर, होंगे यार। क्या चीज? होना चाहिए, होना चाहिए। तो उससे पूछो कि कौन स्टाफ था, उसको नहीं सुना, उसको आपने हटा दिया, स्पेसिफिक आख्या चाहिए मुझे अभी। जी वैसे तो सर मैंने उसमें हर एक वार्ड में, तुम तो यार बात तो सुनोगे नहीं, जवाब तो थोड़े देना पड़ता है यार, जवाब तो मुझे देना पड़ रहा है वहाँ पे। जी बताइए, बकवास कर रहे हो, अभी उठा के आऊंगा 50 जूता मार के मैं तुम्हें भगा दूंगा, दिमाग खराब कर रहे हो मेरा तुम। और इसी के साथ ऊंचे पद पर बैठकर ऊंची आवाज के साथ जो बड़े वाले साहब ने सुर लगाया, तो तत्कालीन सीएमएस की सिट्टी पिट्टी गुम हो। ये सुना तो था कि बड़े पद पर बैठकर जुबान खराब हो जाती है, आज सुन भी लिया, बात यही खत्म नहीं हुई। आगे और सुनिएगा, संस्कारी शब्दों की पूरी नुमाइश लगाई गई है।
स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक बात जवाब दो ना। हाँ बताइए। जब लिखित परत में गया है आपके पास, गया है कि नहीं गया प्रिंट? जी। तुमको किसने बना दिया प्रभारी सीएमएस? कोई और दूसरा आदमी नहीं है जो बंद करके देख ले काम? बेवकूफ आदमी। सवाल मैं क्या कर रहा हूँ, बकवास। जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ से शिकायत आई है, उस शिकायत का स्पेसिफिक निस्तारण होना है ना। जी। कौन स्टार था? अनिल कुमार से तुमने बात किया? जी करिए। क्या बात किया? कौन स्टाफ ने उसकी नहीं सुना? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया तुमने? सर एक मिनट हमें देंगे सर, एक मिनट देंगे, एक मिनट हमारी सुनेंगे क्या? एक मिनट सुन लेंगे। क्या सुनेंगे सर? आरओ लगाए हुए, अंदर वार्ड में आरओ लगा हुआ है और ठंडा पानी भी मौजूद है, कूलर भी लगा हुआ है वहाँ पे। कह रहे हो ना, जब वहाँ से फोन किया जा रहा है तो मरीज तो शिकायत कर रहे हैं। सर फोटो डाल करके मैं दिखा दूँ, आरओ कैंट का आरओ इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, कैंट का आरओ इंस्टॉल्ड है और कोल्ड वाटर भी इंस्टॉल्ड है। पहले ये बताओ तुम्हारे पास वो जो शिकायत जो मरीजों ने बोला है उसके उसका है तुम्हारे पास की नहीं चिट्ठी? हाँ उसका जवाब मैंने भिजवाया, जरूर भिजवाया मैंने। जवाब भिजवाया? जवाब संतोषजनक जवाब थोड़े है वो? तो सर कोल्ड वाटर लगा हुआ है और मरीज जो चलता फिरता है तो फिर क्या कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था है वहाँ पे। तो शिकायत शासन से आ रही है कि ये आदमी शिकायत वहाँ से तो पूछा जा रहा है। तो सर इसका जवाब ये है कि हमने कोल्ड वाटर का इंतजाम कर रखा है, ठंडे वाटर का इंतजाम कर रखा है, आईसीयू में एसी लगे हुए हैं, सारे पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं। शिकायत क्यों कर रहा है मरीज? फिलहाल जब से ऑडियो टेप को संसार ने सुना है तब से अलीगढ़ के प्रशासन में हड़कंप मच गया। और हाँ, जाते जाते हम भी एक बात बताए देते हैं कि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता कि सच्ची सच्ची में डीएम चंद्रभूषण सिंह का ऑडियो है या नहीं। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए महेश जाधव के लिए। वहीं समाजवादियों को इकट्ठा करने के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बयान पर अखिलेश यादव की चुप्पी की टीस साफ दिखाई दी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अभी बहुत समय है। शिवपाल सिंह यादव सत्तासीन बीजेपी पर भी जमकर बरसे और कहा कि बीजेपी पर झूठ बोलने और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। शिवपाल यादव ने अखिलेश और मायावती के मूर्ति लगवाने के बयान पर भी तंज कसा। बाराबंकी में शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी बात सीनियर समाजवादियों से हो चुकी है कि 2022 और 2024 के चुनाव में सभी समाजवादी, गांधीवादी और चरण सिंह वादी एक हो। सपा में विलय के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अभी चुनाव में काफी समय है। मैं तो यही आह्वान किया है कि सब लोग इकट्ठे हो जाए और आने वाले 2022 के बाद 2024 में हम चाहते हैं कि जितने भी समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं, सॉरी क्रांति सिंहवादी हैं, जितने भी उपेक्षित लोग किसान हैं, गरीब हैं, हैं सभी को जाए। नहीं तो क्या कुछ? और हमारा प्रयास है, हम करेंगे। मर्जर का कोई विचार है? काफी चर्चा भी है। ये तो बातचीत से होगा, अभी तो बहुत समय है। क्या बातचीत का कोई प्रस्ताव आप अखिलेश जी को देंगे? अभी तो निर्णय। वहीं मुरादाबाद के रामगंगा में युवक खुलेआम मौत की छलांग लगा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ना तो मुरादाबाद की पुलिस को इससे कोई लेना देना है और ना ही प्रशासन को। रिपोर्ट आपको देखनी होगी। ये जो अर्धनग्न अवस्था में खड़े दिख रहे हैं ना, ये कोई मामूली लोग नहीं है। हो सकता है अगले ओलंपिक में यही नजर आए। हाँ हाँ, सच्ची कह रहे हैं। इनको देखकर मिशेल फिलिप से लेकर सीजर सिलो तक की घिग्गी बन गई। पहले पहल तो सब पानी को ऐसे ताक रहे थे जैसे पानी में कोई अजूबा दिख गया। फिर बड़ी मुश्किल से एक चचा के अंदर का तैराक जाग गया। उम्र के वजन को रेलिंग की तरफ छोड़ा और पैर को 75 डिग्री तक मोड़ा। बन गए इंसान से घोड़ा, पहले लुंगी रूपी स्कर्ट को संभाला और फिर मुरादाबादी मिशेल फिलिप ने गंगा जी में छलांग लगा दी और जोर से आवाज आई छप। चचा ने पानी में जीत के झंडे गाड़ दिए थे। वक्त था फोटो खिंचवाई रस्म का, दांत निपोड़ते हुए ऊपर देखने लगे जैसे भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा।
मुरादाबाद के रामगंगा पुल पर ओलंपिक वाले चाचा ने मानो सभी तैराकों में ऊर्जा भर दी हो। ये देखो, मुरादाबादी मिशेल फिलिप के बाद मुरादाबादी सीजर सिलो सामने आए। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को पानी की धार पर जीवांत कर दिया। एक सीधी रेखा में आसमान से पानी में छलांग लगाई और अपनी बहादुरी के चर्चे के लिए निगाहें व्याकुल नजर आए, जिसके बाद तो मानो ओलंपिक का रिहर्सल पूरे शवाब पर आ गया था। बैक टू बैक कई मुरादाबादी तैराकों ने अपना कमाल दिखाया। ये तैराक बड़े राष्ट्रवादी भी निकले। गंगा की गोद में जाने से पहले भारत माता की जय का जयकारा पूरे जोर से लगा दिया। रेखा गणित के बड़े बड़े विद्वानों ने भी पीट लिया मत्था कि कागजों पर कलम का जोर लगा लगा कर जो सिद्धांत बनाए थे, एक झटके में इन देसी तैराकों ने पानी पानी कर दिया। बिल्कुल सीधे सीधे पानी में डुबकी लगा दी और बाहों का इंद्रधनुष बनाकर जो पानी में छप्पन छप्प किए, उसकी मधुरतम आवाज से पूरा मुरादाबाद गूंजायमान हो। यहाँ हर साल जल स्तर बढ़ता है, अब की बार कुछ ज़्यादा है। और यहाँ जैसे कि दो तीन पुल हैं, तो यहाँ है रेलवे स्टेशन के एक जामा मस्जिद का एक उससे आगे, तो यहाँ लोग कुछ नहाते हैं कूदते हैं पुल पर से, जिससे कई सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, कुछ लोग डूब भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की भैंसें यहाँ नहाने आती हैं, तो वो उनकी वजह से कूदते हैं, उन्हें नहलाने की वजह से। ये खेला रोज खेला जाता है, कई बार जिंदगियां पानी में उतराती नजर आती हैं, लेकिन लोग मानते नहीं। और कानून के ठेकेदार अपने अपने शाही दफ्तरों में आराम फरमाते रहते हैं। खाकी के लाल अपनी वर्दहस्ती में नए नए तैराकों को जन्म दे रहे हैं, इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है, बोलो बोलो। इंडिया न्यूज के लिए मुरादाबाद से शहनवाज की रिपोर्ट। वहीं मथुरा के चामुंडा मंदिर के पास तब हड़कंप मच गया जब यमुना में नहाते वक्त एक युवक डूब गया। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की। बताया जा रहा है जो युवक डूबा है वो दिल्ली से मथुरा आया था और राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है। दरअसल ये युवक खबर है कि दिल्ली से टैक्सी लेकर मथुरा आया हुआ था। चामुंडा मंदिर के पास ये इस नहर में डूब गया। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई इस पूरे मामले की, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश पुलिस की तरफ से शुरू की गई। वहीं मौजूदा समय में प्रदेश का पूरा किसान खाद की समस्या से जूझ रहा है। यहां तक प्राइवेट दुकानों पर भी यूरिया खाद की कमी हो गई, जिसका फायदा उठाकर कालाबाजारी करने वाले किसानों को महंगे दामों में खाद बेच रहे हैं और किसान मजबूरी में खरीद भी रहे हैं। हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा गया है किसानों की तरफ से। इस वक्त आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के हम विकासखंड मोहलालगंज का ये लालपुर का खाद डिपो, और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर खाद समिति में ताला पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी स्टॉक नहीं है, स्टॉक खत्म हो चुका। हालांकि आपको बता दें कि खाद को लेकर के अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी हमलावर हो रहा है सरकार पर। सरकार ने इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो टीम भी गठित की है कि किसी भी तरह की कोई कालाबाजारी ना हो, बावजूद इसके आज अन्नदाता खाद को लेकर के किल्लत झेल रहा है। हमारे पीछे देख रहे तमाम वो किसान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, खाद को लेकर के सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेन्द्र सिंह। ज्ञानेन्द्र जी, बताइए इस वक्त जो खाद की क्राइसिस चल रही है, तो क्या समस्याएँ आ रही किसान को? लगभग 15-20 दिन से किसान यहाँ पर डेली आ जा रहा है और ना ही सचिव यहाँ मिलता है, ना कोई विभाग का जिम्मेदार व्यक्ति कभी ये बताने को तैयार है कब खाद है। और पूरी तरीके से एक तरीके से तो अभी तक जानवर से किसान परेशान था, अब उस फसल को तैयार करने के लिए किसान खाद ना मिलने की वजह से बहुत अत्यधिक परेशान है। और भी लोग हैं आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी मनोज पटेल। मनोज जी, खाद ना मिलने से क्या समस्या आ रही है? देखिए भाई साहब, इस समय खाद जो है नहीं मिल रहा और काला बाजारी हो रही है।
हम 400 रुपए और 375 रुपए की खाद मार्केट से खरीद रहे हैं। इस समय की स्थिति में तो खाद मिल ही नहीं रही है। आदमी हमारे बगल में निगोहा है, निगोहा बाजार पड़ती, वहाँ भी जाइए कहीं खाद ही नहीं है। बगल में सुदौली, वहाँ भी कहीं खाद नहीं। तो किसान घूम फिर के लौट आता और हताश होकर बैठता है, अपनी फसल को बर्बाद होते हुए इस तरह से परेशान है कि उसको लगता है कि जो हमने अपनी सरकार बनाई है उस सरकार से बहुत कष्ट उसको महसूस हो रहा है। अगर जी जी बिल्कुल, काला बाजारी भी जोरों पर चल रही है खाद को लेकर के। और भी कुछ किसान उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर कब से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब से आप? यहाँ तो हमारा तो घर ही पास में है, खाद तो आती है, मतलब बहुत ही कहाँ था कम खाद आती है यहाँ। पिछले कितने दिनों से खाद नहीं आई? 15 दिन से खाद नहीं आई। 15 दिन से नहीं आई, बिल्कुल। आप बताइए क्या समस्या आ रही है? सर, समस्या यही आ रही है कि हम काफी समय से यहाँ खड़े हैं, खाद लेने हैं, यहाँ पे खाद नहीं है, तो सर अब यहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा। मार्केट का क्या हाल है, कैसे मिलती है? मार्केट में सर काफ़ी महंगी मिलती है, जो रेट यहाँ 250 का है वहाँ पे 450 का ऐसे मिलता है सर बाहर का रेट। तो यहाँ देखा आपने कि ये वो अन्नदाता हैं जो पूरे देश को अन्न पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। उसके चलते आप समझ सकते हैं कि जो खाद की समस्या पूरे प्रदेश में बनी हुई है, जो विपक्ष है इसको लेकर वो भी हमलावर है। सरकार ने टीमें भी गठित की हैं कि किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो, बावजूद इसके आज भी अन्नदाता परेशान है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर अन्नदाता राहत की सांस कब ले पाएगा। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। उधर गोंडा में खाद की किल्लत से किसान परेशान है, किसान सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनुराग सिंह ने डिप्टी डायरेक्टर कृषि मुकुल तिवारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिले में खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसे उन लोगों को चिन्हित कर उन पर और रासुका की कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर मुकुल जी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा और किस तरीके से विभाग ने तैयारी कर रखी है। जनपद में इस समय उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। आप कालाबाजारी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए यह है कि जनपद में हमने अपने विभाग के कर्मचारी जितने हैं, तकनीकी सहायक, एडीओ एग्रीकल्चर और ATM BTM सभी को समितियों के हिसाब से नया पंचायतवार आवंटन कर दिया है और कल और परसों में जो वितरण हुआ है सभी कर्मचारी उन पर रहे हैं। POS मशीन के माध्यम से ही खाद का वितरण हुआ। लाइन इसलिए लग रही है कि ये निर्धारित कर दिया है कि 2 बोरी से ज़्यादा वो किसी को उर्वरक ना दे। नहीं, कालाबाजारी इस समय तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो इस बार हम लोगों ने विशेष जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और अपने स्तर से सभी कर्मचारियों को निर्धारित कर दिया कि वो जो अपने न्याय पंचायत में जितने निजी विक्रेता हैं अगर कहीं पे भी ओवर रेटिंग मिलती है या बिना मशीन के बेचते हुए मिलती है तुरंत जिला कृषि अधिकारी को संपर्क करें अथवा मुझे संपर्क करें और तुरंत उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, FIR होगी, NSA तक लगाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी कालाबाजारी करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी, जिससे ओवर रेटिंग में किसानों को खाद उपलब्ध ना हो। और अत्यधिक खाद कोई अगर खरीदता है जिसको इतनी ज़मीन नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा घर में ले जाकर करेगा, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोंडा में अब जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और साफ निर्देश दिया है कि जो भी ऐसा कालाबाजारी में लिप्त पाया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ऐसे तक की कार्रवाई की जाए। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। मेरठ में हुए NCERT की नकली किताबों के मामले में कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया और कमिश्नर दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए CBI जांच की मांग की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नकली किताब छापने वालों को BJP का संरक्षण मिला हुआ है। दरअसल BJP नेता संजीव गुप्ता के गोदाम से NCERT की नकली किताबें बरामद हुई थी, जिसके बाद BJP ने कार्रवाई करते हुए संजीव गुप्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन विपक्ष को मानो मुद्दा ही मिल गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नकली किताब मामले को लेकर इनकी तरफ से ये मोर्चा खोला गया। लगातार हो रही बारिश अब परेशानी का सबब बन चुकी है। नदियां उफान पर है और लोगों का जीना भी मुहाल हो रहा है। वहीं प्रशासन के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। यूं तो कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जब उसी जल की धारा जान लेने पर आमादा हो जाए तो इंसान बेहाल और बदहाल हो जाता है। लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर कुछ इस कदर बढ़ा दिया कि उफनाती हुई नदियों की धारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहिए। बहराइच में नदी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंसान के लिए पलायन के अलावा कुछ नहीं बचा।
कई तहसील और गांव नदी के पानी में जल समाधि ले चुकी है। बहराइच की 3 तहसील के कई गांव लगातार पानी में समाते जा रहे हैं और लोग अपने सामने ही अपने आशियाने को डूबता देखने को मिले। जिले के बड़े वाले अधिकारियों के वादे के आश्वासन ने इनकी जिंदगी में तूफान ला दिया। कुछ रोज पहले जो पानी ढकने को छूता था उसने अब कमर तक का सफर तय कर दिया। जो लोग हिम्मत हार चुके हैं वो अपना घर अपना आशियाना छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कई लोग आज भी जो पानी से जूझ रहे हैं ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं कि जिंदगी किस हद तक पानी समा चुकी है। गांव की स्थिति इस समय बाढ़ के वजह से बहुत खराब है। हमारे गाँव में 22 पुरवे लगते हैं जो कि सबका संपर्क मार्ग इस समय टूट गया है। हम लोगों को आने जाने में बड़ी अव्यवस्था होती है। हमारे यहाँ के लोग ठेलिया से पैदल किसी भी प्रकार से बाढ़ के समय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। घर हमारे सबके कट रहे हैं, 30 घर कटकर नदी से चले गए बाहर, तो सड़क पर हम सब मड़ैया डाले परे हैं, तिरपाल ताने कोई यहाँ सुनान ना दिखा रहा है। अभी नदी में है 300 मीटर हुई फिर से नहीं, आज 8 दिन भाई कट के चला गया है। अभी तक कुछ नहीं मिली, ना कोई अधिकारी यहाँ आवा। बड़ी भयावह स्थिति रही है, बाढ़ और कटान की दोनों की वर्तमान में भी चल रही है। पिछले करीब 15 दिनों से लगातार बाढ़ और सैलाब है। गांव में खाने पीने की सारी वस्तुएं घरों से बह गई हैं। घरों में आज भी मलबा भरा हुआ है, किंतु सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि कोई सरकारी महकमे के लोग यहाँ हमारे यहाँ देखने तक नहीं आए हैं। ना कोई पुरसा हाल हुआ है, ना किसी प्रकार का मतलब सहायता प्रदान की गई है, और सब कई मकान करीब 40-50 झोपड़ियों सहित कच्चे और पक्के मकान 50-60 इस गांव के कटकर नदी में बह गए हैं और बाढ़ में बहकर। बहराइच में बड़े बूढ़े बच्चे महिलाएं संघर्ष की वो गाथा लिख रही हैं जिसके शब्द शीश महलों में बैठने वालों को चुभ सकते हैं, लेकिन हकीकत सरकारी खतरे में दर्ज सपनों से एकदम एकदम जुदा। नदी का बेतहाशा पानी गांव में जो दाखिल हुआ तो जिंदगियां पानी में उतराती नहीं। वहीं हमीरपुर में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। बेतवा और यमुना नदी का पानी सब कुछ बाहर ले जाने को आते हैं, जिससे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। बीते दिनों जब पानी छोड़ा गया तब से अब तक लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी माता टीला बांध से छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से बेतवा नदी में जलस्तर बढ़ने लगा। फिलहाल हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन तैयारियों में जुटने का दावा कर रहा है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया। इससे ये नुकसान है कि जितनी फसल नदी जमुना बेतवा किनारे है वो सब नष्ट हो जाएगी, और ये महंगी चीज वही है जैसे तिली है, उड़दा है, मूंग है, ये सब चली जाएगी। या जो उससे दुकानों से बीज खरीदा गया वो बहुत महंगा मिला है, 400-500 रुपए किलो तक का बीज मिला है। क्या क्या फसलें बोई हैं आप लोगों ने? तिली है, काला तिल है, और मूंग है, उड़द है, सोयाबीन भी है, और अरहर, ज्वार। फिलहाल हालात भयावह होते जा रहे हैं, नदी शांत होने को तैयार नहीं। वहीं प्रशासन वालों चुप्पी बात कर बैठा, सभी गांव वालों को अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया। मौत का खबर गांव वालों के इधर उधर घूम रहा, कई जिंदगियां बेचैन और बेबस हो चुकी। इंडिया न्यूज के लिए बहराइच से संजय मिश्रा और हमीरपुर से वीर धनंजय की। कानपुर का वार्ड नंबर 70 बिना पार्षद के चल रहा है। यहाँ के लोग पार्क में भरे पानी के कारण बीमारी से जूझ रहे हैं और पार्क के आसपास बने नालियां पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं। इस समस्या की शिकायत कई बार नगर निगम में की गई, लेकिन कोई भी अधिकारी संज्ञान में ये मामला नहीं ले रहा है। पार्क अब तालाब में तब्दील हो चुका है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि पार्क में ना तो कभी सफाई होती है और ना ही कोई देखने वाला है। बारिश के वक्त चारों तरफ का पानी पार्क में गहराई होने के कारण यहां भर जाता है, जिसके चलते जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पार्क में
गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस पार्क में पानी भरा हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।